नमस्कार साथियों, वेलकम टू पीके फार्म क्लासेस यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गुजर लादिया, फार्मासिस्ट, आप सभी का पीके फार्म क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फार्मासिस्ट एमसीक्यू, जो कि आने वाली हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जीपैट हो, नाइपर हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो या फिर फार्मासिस्ट के एग्जाम हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड टेलीग्राम के लिंक दे रखे हैं, वहाँ आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की वैकेंसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पीके वैकेंसी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच न्यूरॉन्स आर इन्वॉल्व्ड इन पार्किंसन। तो पार्किंसन डिजीज के अंदर कौन सा न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी गाबानर्जिक, ऑप्शन सी डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता दिया करें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द पैथोफिजियोलॉजिक बेसिस फॉर एंटी पार्किंसन थेरेपी इज। तो एंटी पार्किंसन थेरेपी के लिए कौन सा पैथोफिजियोलॉजिकल बेसिस होता है? ऑप्शन ए सेलेक्टिव लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी द लॉस ऑफ सम कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, ऑप्शन सी द लॉस ऑफ द गाबानर्जिक सेल्स। ऑप्शन डी द लॉस ऑफ ग्लूटामेटेरिक न्यूरॉन्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेलेक्टिव लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स इन इन्वॉल्व्ड इन पार्किंसन डिजीज। तो पार्किंसन डिजीज के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन ए एसिटाइलकोलिन, ऑप्शन बी ग्लूटामेट, ऑप्शन सी डोपामाइन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसऑर्डर। ऑप्शन ए फिनाटोइन, ऑप्शन बी सेलेजिलाइन, ऑप्शन सी हेलोपेरिडॉल एंड ऑप्शन डी फ्लूजेंटिन। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि पार्किंसन डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है? तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेलेजिलाइन। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है कि ये पार्किंसन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है सेलेजिलाइन, तो कौन सी क्लास की ड्रग है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज द प्रिकर्सर ऑफ डोपामाइन। तो इन चार ऑप्शन में से देख के आपको बताना है कि डोपामाइन प्रिकर्सर कौन सी ड्रग है इनमें से। तो इनमें से डोपामाइन प्रिकर्सर एजेंट कौन सी ड्रग है वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दे रखा है ब्रोमोक्रोप्टीन, ऑप्शन बी लिवोडोपा, ऑप्शन सी सेलेजिलाइन एंड ऑप्शन डी अमांडाडिन। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा इसका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिवोडोपा। तो लिवोडोपा क्या है, डोपामाइन प्रिकर्सर के तौर पर यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द मेन रीजन फॉर गिविंग लिवोडोपा द प्रिकर्सर ऑफ डोपामाइन इंस्टेंट ऑफ डोपामाइन इज। तो लिवोडोपा के साथ में डोपामाइन क्यों दिया जाता है वो आपके यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए दे रखा है डोपामाइन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ऑप्शन बी डोपामाइन मे इंड्यूस एक्यूट साइकोटिक रिएक्शंस, ऑप्शन सी डोपामाइन इज इंस्टेंटली मेटाबोलाइज इन ह्यूमंस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डोपामाइन डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी जो डोपामाइन होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता अकेला, इसके साथ में लियोडोपा दिया जाता है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंडिकेट ए पेरीफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। तो इन चार ऑप्शन में से देख के आपको बताना है कि कौन सी पेरीफेरल डोपा डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है।
ऑप्शन ए टोलकापाइन, ऑप्शन बी क्लोजापाइन, ऑप्शन सी कार्बिडोपा एंड ऑप्शन डी सेलेजिलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बिडोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द मैकेनिज्म ऑफ कार्बिडोपा एक्शन इज। तो कार्बिडोपा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनहिबिशन ऑफ डोपा डिकार्बोक्सिलेज। तो अभी हमने देखा था पिछला क्वेश्चन में, तो पिछले क्वेश्चन में क्या था? पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर क्या है? इसमें आंसर था कार्बिडोपा। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है इसमें इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछी गई है, यानी वो किस साइट पर एक्शन करता है। तो वो क्या करता है? इनहिबिशन करता है किसका? डोपा डिकार्बोक्सिलेज का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट इंक्लूडिंग ट्रेकिकार्डिया अरेथमिया एंड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन मेंटल डिस्टर्बेंस एंड विड्रावल आर पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ। तो ये सारे एडवर्स इफेक्ट किन कौन सी ड्रग के साथ में मेनली देखे जाते हैं? अमंटाडीन, बेंजोट्रोपेन, लियोडोपा या फिर सेलेजिलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लियोडोपा। तो लियोडोपा के साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट भी प्रोड्यूस हो जाता है, ट्रेकिकार्डिया हो जाता है, अरेथमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस, ये सब लियोडोपा के साथ में एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन रिड्यूस द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ लियोडोपा बाई एनहेंसिंग इट्स एक्स्ट्रा सेरिब्रल मेटाबोलिज्म। ऑप्शन ए पारिडॉक्सिन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी टोकोफेरल एंड ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। तो कौन सा विटामिन है वो जो कि लियोडोपा के एक्स्ट्रा सेरिब्रल मेटाबॉलिज्म को एनहेंस कर देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पारिडॉक्सिन, जिसे हम विटामिन बी सिक्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी पार्किंसन ड्रग्स हैज आल्सो बीन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिमिया। तो हाइपर प्रोलैक्टिमिया क्या होता है? आप सभी को पता होगा प्रोलैक्टिन का हाइपर सिक्रीशन हो जाना। तो उसके लिए कौन सी एंटी पार्किंसन ड्रग है जो यूज की जाती है? ऑप्शन ए बेंजोट्रोपिन, ऑप्शन बी ब्रोमोक्रिप्टिन एंड ऑप्शन सी अमंटाडीन एंड ऑप्शन डी लियोडोपा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रोमोक्रिप्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंडिकेट ए सेलेक्टिव इनहिबिटर ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज बी, यानी माओ बी, MOA बी सेलेक्टिव इनहिबिटर कौन सी ड्रग है? लियोडोपा, अमंटाडीन, टोलकापेन एंड सेलेजिलाइन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेलेजिलाइन। सेलेजिलाइन और रोसेजिलाइन दोनों क्या है? माओ बी इनहिबिटर ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, लियोडोपा शुड नॉट बी गिवन टू पेशेंट टेकिंग। तो लियोडोपा कौन से पेशेंटों को नहीं देना चाहिए, वो क्या ले रहे हो उनको नहीं देना चाहिए? ऑप्शन ए ब्रोमोक्रिप्टिन, ऑप्शन बी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए इनहिबिटर्स, ऑप्शन सी कार्बिडोपा एंड ऑप्शन डी नॉन सेलेक्टिव बीटा एडर्जिक एंटागोनिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए इनहिबिटर। अगर कोई पेशेंट मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ए इनहिबिटर ले रहा है तो उसको लियोडोपा नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसी तरह के और बहुत सारे MCQ हमने डिस्कस कर रखे हैं, वो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम आपको फार्मासिस्ट MCQ, इसके अलावा फार्मासिस्ट वैकेंसी, फार्मासिस्ट रिजल्ट, फार्मासिस्ट एग्जाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन, पैरामेडिकल वैकेंसी संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें क्या एक थोड़ा मोटिवेशनल एनर्जी मिल जाती है एक नई वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल लगती है तो दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, द मेन रीजन फॉर अवॉइडिंग द कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लियोडोपा एंड एन इनहिबिटर ऑफ बोथ फॉर्म ऑफ मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इज। तो अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था कि लियोडोपा अगर ले रहे हैं तो उसको क्या नहीं देना चाहिए, तो इसमें था MOA इनहिबिटर नहीं देना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में आया कि क्यों नहीं देना चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे बताना है।
ऑप्शन ए दे रखा है इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑप्शन बी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी आ जाती है, या ऑप्शन सी एक्यूट साइकोटिक रिएक्शन हो जाती है, या ऑप्शन डी कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स एंड सीएनएस डिप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लियोडोपा को मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ में नहीं देते। क्यों अवॉइड करते हैं, इनका कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ क्यों नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, अगर इसको देते हैं तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी पार्किंसन ड्रग इज एन एंटीवायरल एजेंट यूज इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ इन्फ्लुएंजा A2। तो कौन सी इनमें से एंटी पार्किंसन ड्रग है जिसे हम एंटीवायरल एजेंट के तौर पर भी यूज करते हैं इन्फ्लुएंजा A2 के प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर। ऑप्शन ए सेलेजिलाइन, ऑप्शन बी लियोडोपा, ऑप्शन सी पर्गोलाइड एंड ऑप्शन डी अमांटाडीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमांटाडीन। इस तरीके के क्वेश्चन हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी डालते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक से ज्वाइन करके वहाँ इन क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, राम राम सा।